बन जाए। कृष्णा हाँ? आज हम ना जुहू बीच ऑटो रिक्शा में चलेंगे। ऑटो रिक्शा में? हाँ हाँ ठीक है, अभी रुकवा देते हैं। ऑटो आ जाए बस। ए ऑटो ऑटो, अबे यार कैसे हैं? ससुर आवाज दे रहे हैं, कोई सुनता नहीं। ए आएगा आएगा। ए ऑटो सुनो। ए अबे अरे यार का मतलब, अभी रुकवा रहे हैं बाबू बस। ए ऑटो ऑटो, ए रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको। हाँ ए बाबू आ जाओ, ए बाबू आ जाओ। ए जू चल बो जू, वो कहा जाए जू मतलब पानी पानी। अरे बाप बता तुम क्या, ए ए भाई ये बंद करो ना साला बाजा, इतना तेज क्या चलाए थे यार तुम, हैं साला ऐसे कान फट रहे हैं हमरे, का शादी में तुम्हारी धीरे चलाओ। का रेडियो खराब है बॉस, इसका आवाज कम नहीं होता है, टेक्निकल मिस्टेक है ये, ऐसी बजेगा क्या? तुम लोग अगर बैठने का तो बैठो, नहीं तो उतरो। अबे ऐसा है बकैती नहीं करो, जा तू कह रहे ना वो करो चुप पे छा, ये बंद करो चिल्ला पो यार। ससुरा क्यों बहस कर रहे हो? अरे कैसे तुम भाई ससुरा, अरे अरे आप तुम्हारी गाड़ी में भी टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? अरे धीरे में चला सकते हो, धीरे चलाओ सर, अभी हो जाएगा ना एक्सीडेंट, धीरे चलाओ। टेंशन ना करो, अपनी लाइफ में ना आज का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ऐसा कंट्रोल में लो अपना गाड़ी। ये क्या बोले अभी आपको, अबे सामने देख सकते हो। अबे यार ए बाबू तुम ठीक तो ना? हाँ, है? हाँ, अभी देखते हम। ए बाहर निकल निकल, तुम्हें देख के चलने को नहीं होता क्या? हाँ रिक्शा डूब दिया, अब इसका भरपाई देना पड़ेगा समझा? भैया भैया आराम से रिलैक्स करो, हाइपर मत होइए, आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। दिखाओ क्या हुआ। अभिषेक, अरे प्रतिज्ञा, नीलिमा प्रतिज्ञा कैसी हो? बिल्कुल ठीक है हम, पर यहाँ मुंबई में व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ए मंगा लेने का आपने जितना बोला ना अपने को तो चाहिए क्या? अरे एक मिनट, ए छछुंदर देखो ऐसा ज्यादा बकायती नहीं समझो, साला एक तो गाड़ी ठोक दियो ये मतलब ना, ऐसा बेटा इसे पकड़ो और ये अपना डिब्बा है ना ये कल ये निकलो चुपचाप, सुनो गिफ्ट पैक करके भेजेंगे, चलो निकलो। अरे बात करते यार, अरे तुम सब भी जाओ, कौन तमाशा लगाएगा यहाँ पे यार, चलो चलो चलो। गाड़ी ठोक दी यार। हाँ नीलिमा ये है कृष्णा मेरे पति, और कृष्णा ये है नीलिमा और अभिषेक हमारे दोस्त, लेकिन तुम दोनों एक साथ, we are married now। अरे ओह वैसे where have you guys put up? एक्चुअली हम यहीं पास के एक होटल में ठहरे। हाँ हमारे होते हुए तुम लोग होटल पे क्यों रुके हो? चलो हमारे साथ चलो। लेकिन नीलिमा वो आडवा नहीं है, हमारे साथ चल रही हो तुम। ओके कम कम कम, क्या करे कृष्णा, ये लोग तो घर जाने के लिए जिद कर रहे हैं। अरे शहर बाबू में सोचे वाली कौन बात है, हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अजनबी शहर में जो तुम्हारे दोस्त मिल गए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ऐसे सब मिलके मौज करेंगे औरतों का है? अरे जल्दी चलो आपके होटल जाना है, वहां से सामान उठाना और सीधा अपने घर ले जाना है, चलो भी ठीक है आए जाओ। दादी खाना रेडी है। आरुषि हम सोचते हैं तन्मय के लिए बढ़िया सा हलवा बना दे, तुम क्या कहती हो? बड़ी
चिंता हो रही है आपको तन्मय की? हुँ? दादी क्या जरूरत है उसके लिए हलवा हलवा बनाने की? अरे जरूरत कैसे नहीं है, पता नहीं कितने दिनों से अपने परिवार से दूर है। अरे घर का बना हुआ अच्छा खाना पीना भी नहीं खाया होगा उसने, और उसे खुश रखने में क्या बुराई है, अब तो वो भी इस परिवार का एक सदस्य बन चुका है। ठीक है तुम्हें नहीं बनाना है ना तो मत बनाओ, हम बना लेंगे। हम कौन सा हलवा बना रहे थे? वैसे दादी आप सच में उसके लिए हलवा बनाने वाली? क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वाह क्या खातिरदारी हो रही है उसकी। दादी वो कोई इस घर का दामाद नहीं है जो उसकी इतनी खातिरदारी कर रही हैं आप। तो इसमें क्या बुराई है? अरे लड़का नेक है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जाने पहचाने परिवार का है, भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, तुम अपनी सोचो। दादी ये अब क्या बोले जा रही है आपसे ना, आपसे तो बात करना ही बेकार है। और सुन अपनी बिरादरी का भी है। हाँ मैंने सुनी आपकी कोई बात। इतनी ऊंची इमारत है बाबू देखो। अरे कहाँ यार, कोनो कोनो टोपी पहन के, टोपी ससुरा गिर जाओ पीछे, इतनी ऊंची। बाकी एक बात सोचे वाली है, ससुरा भूचाल आ जाए तो फिर कहो है? अरे बवाल हो जाएगा यार, लोग भागे हैं कैसे, सारा जो नीचे हो तो ठीक है, ऊपर तो लटक गए हैं, ऊपर ऊपर ऐसे टिकट कट जाएगा औरतों का, देखो देखो। यार एक बात हमका बताओ अभिषेक भाई, बिजली पानी समस्या नहीं होती क्या यहाँ पे है? मतलब इतना ऊंचा यार पानी मतलब जाता कैसे होएगा, है कि नहीं? ए अभिषेक भाई काम करो, हमका बताए तो कौन सा माल है यार, ससुर तो वैष्णो देवी मंदिर चढ़े वाली बात होगी। ए बाबू तुम हमका दे दो सामान, सर हम ले चलते हैं। अरे कृष्णा जी आपको टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ प्लान्ड होता है, सारी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जल्दी से चलें क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी। हाँ चलो लो दो। अरे माँ जी प्रणाम। अरे ये क्या करते हैं मैन? अरे हम का किए कृष्णा, ये हमारी मेड है। मेड माने? कृष्णा ये इनकी मेड है, मतलब प्रिया से हमारे घर पे बिल्कुल वैसे। क्या बात कर रही? अरे तो यार हमका बताना चाहिए था ना यार, हमका कैसे पता है? हम तो समझे मतलब कि इनका सामान अंदर रखो और नाश्ते का बंदोबस्त करो। श्योर मैडम, कम आओ बैठो। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कॉलेज के दिनों में किसी को भनक तक नहीं लगने दी अपने रिश्ते के बारे में, किसी को बताया तक नहीं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है। ये सब इस नीलिमा की वजह से हुआ है, वरना हम तो अपने प्यार का इजहार कॉलेज के नोटिस बोर्ड में करने वाले। बस इसने मुझे रोक दिया।
क्यों कृष्णा जी, मोहब्बत में बदनाम नहीं हुए तो क्या खाक मोहब्बत की? बट ठीक है ना, ना? अच्छा जी, बस भी करो अब। मुझे प्रपोज करने में तो कांपने लगे थे और अब बदनामी की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रही है, इसकी तो आदत ही है। हाँ। अच्छा हाँ। देखो यार, तुमका कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच जो है मतलब कुछ हो? अरे कैसे नहीं पता चलता, हम सब एक ही ग्रुप में हुआ करते थे और अभिषेक और नीलिमा हमेशा से हमारे खास दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हमें अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता चलने दिया। का मतलब कि नीलिमा के साथ साथ अभिषेक भी तुम्हारा दोस्त? अरे तुम्हारे ग्रुप में लड़के लड़कियां दोनों? हाँ, हम सब हमेशा साथ ही रहा करते थे। नीलिमा तुम जानती हो